हम जब कोई खबर रिपोर्ट करनी होती है किसी, तो हम मूमन कहते हैं अगर FIR है तो FIR की कॉपी दिखा दें हमें। एक तो वो लिखते बहुत छोटे हैं उसको, और दूसरा ये भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बाद में कि उर्दू के भी फॉन्ट्स बड़े डिफरेंट हैं, मतलब FIR एक फॉर्म में दिखी जाती है तो उसमें दिक्कत होती है। देखें, यही तो इस पूरी आज की डिबेट का जवाब इस बात में है कि आप थाने पहुँच जाएँ, आपका जितना मर्जी संगीन मसला हो, अगर मुहर्रर नहीं है थाने में तो FIR नहीं लिखी जाएगी, उसका इंतज़ार किया जाएगा। यही हम कह रहे हैं कि अगर मुहर्रर नहीं है तो ये क्या बात हुई कि FIR नहीं लिखी जा सकती, कोई भी शख्स FIR लिख ले। इसमें मैं ऐड करने लगा था कि बेशक आप अभी से लीगल ना दें, हम टूल बना देंगे कि कोई रोमन उर्दू में लिख देगा, हम उससे उर्दू जनरेट कर देंगे उसको। हम उर्दू स्क्रिप्ट में वापस यही FIR भी निकाल देंगे और लीगल वो कोर्ट का भी कर देंगे। आई थिंक द रियल टेक तो ये होगा कि कोई भी शख्स जो है वो अपने कीबोर्ड पे अपने अंदाज में फर्ज करें रोमन लिख रहा है, जाहिर वो स्टैंडर्डाइज्ड ही वो ट्रांसलिटरेशन एग्जिस्ट करती है, वो आप लिखी जाए और वो उसको उर्दू लिखी जाए बकायदा। ये तो गूगल वगैरह ने ऑलरेडी दिया हुआ है, ये तो उस पे आ चुका है, ChatGPT पे आ चुका है। ChatGPT गूगल ट्रांसलिटरेट बहुत पुरानी सर्विस है वैसे, अगर किसी को नहीं पता तो ये यूज कर सकते हैं। तो उसमें आप रोमन उर्दू लिखना शुरू करें वो आपको, लेकिन उसका सिर्फ मसला ये होता है कि आपको एक्चुअली उर्दू आनी चाहिए ताकि आप चूज कर सकें कि सही, वो आपको ऑप्शंस देना शुरू कर देता है। ये तो एक लेजी बंदे का हाल है ना कि भाई मैं रोमन में लिखूंगा और मुझे उर्दू लिख के दे देना, लेकिन उसके लिए उर्दू आना जरूरी है ताकि आप चूज कर सके। हम ये कह रहे हैं कि हम थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड सिस्टम बिल्ड कर देते हैं जिसमें कोई आके रोमन उर्दू में अपनी दरख्वास्त लेकर आए, हम उसकी उर्दू ऑटोमेटिकली जनरेट करा देंगे, फ्री सर्विस हम बिल्ड करके कहीं लॉन्च कर देंगे अगर ये हो गया। सो ये अगला काम हम कर देंगे। बिल्कुल, तो हमारी तहरीक अगर कल को जो है वो आगे जाकर मुल्की लेवल पर भी चली जाती है तो हमें कोई उस पर एतराज़ नहीं है, लेकिन फिलहाल हम जो मिशन लेकर निकले हैं वो सिर्फ इतना सा है कि लैंग्वेज पैक्स बन जाए, और उसके लिए ज़रूरी है कि मुल्क पहले इस पर एक हो जाए, हमें पता लग जाए कि कम से कम 60% लोग ऐसे हैं जो कि टायर नहीं जलाएंगे, ताकि उसके बाद हम इंगेज करें माइक्रोसॉफ्ट को, एंड्रॉयड को, iOS को, ताकि उनको ये ख़तरा ना हो कि जी हम यहाँ से अपनी बहुत बड़ी ऑडियंस लूज़ कर जाएंगे, यहाँ पर जी मतलब वेस्ट में इस तरह की बातें होनी शुरू हो जाएंगी कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये एक ज़बान को बुलडोज करने लगे, कल्चरल इंपीरियलिज्म आ रही है, कल्चरल इंपीरियलिज्म आ रही है, इस तरह की प्रेस नहीं चाहते। सर, और ये एक तो सर ये कि मुझे यकीन है कि एहतजाज नहीं होगा, असल में सर जो एहतजाज करने वाले लोग हैं ना और वो जो तमाम एहतजाज में शरीक होते हैं वो आजकल सर उनका एक रिदम बना हुआ है कि सियासी चीज़ के ऊपर करें या फिर तनख्वाह ना मिलने पे करें, तो ये एहतजाज ये आपकी बड़ी नीचे है लिस्ट के अंदर इसके लिए, और ख़ासतौर पर आपने इसको जब लॉन्च करना है ना, आपने जून जुलाई में कर लेना, कोई एहतजाज नहीं होगा। सर मैं आपको इसकी भी एक मिसाल दे देता हूँ कि आपको पता है कि पाकिस्तान की जो फुटबॉल फेडरेशन है वो कितने साल बैंड रही फीफा से, और उसकी वजह ये है कि आपकी सुप्रीम कोर्ट ने उसकी एडमिनिस्ट्रेशन बदलने की कोशिश की, जिस पे फीफा ने सबसे पहले पूछा कि आपको क्या ज़रूरत थी ऐसा करने की, और फिर हमें बैन कर दिया। सो यहाँ पर ना हर किस्म का काम हर किसी की जुरिस्डिक्शन में शामिल है। सो ये इसमें भी कौन कौन आके कूदेगा हमें नहीं पता, कंसर्न्ड सिटीजंस आ जाएंगे। अच्छा, बाकी इसके अंदर मैं हमने उस दिन एक खबर शायद शो पे की थी, ऑफ द स्क्रीन बात कर रहे थे कि जेन ज़ी ने व्हाट्सएप और बाकी जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर जो थम्स अप इमोजी है उसको बैन करने की एक ख्वाहिश जो है वो डाली है कि ये बड़ा पैसिव एग्रेसिव है, तो हम इसे माइंड कर देते हैं। शायद हमने इतनी की थी खबर। अच्छा, उससे मैंने ये बात की कि हम जरा यंग लोग हैं, जेन ज़ी शेन ज़ी से हमारा भी बातचीत होती रहती है, तो वो इमोजीज में भी उन्होंने लैंग्वेज बना लिया, वो तो कंप्लीट लैंग्वेज बन गई है जो हमें समझ ही नहीं आती, वो कुछ लिखा जाता है और मैं हर बार ना उसको उसके बाद गूगल में सर्च करता हूं इसका मतलब क्या है। कहीं ऐसे तो नहीं है कि कुछ लोग, मेरा आई एम श्योर जो उर्दू भी जानते होंगे अंग्रेजी भी जानते होंगे, लेकिन उनका एक करते करते एक खास तकिया कलाम बन जाता है अपने दोस्तों के साथ और लोगों के साथ एक ग्रुप में कि वो खास तरह रोमन भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी शायद तंग हो इससे, हो सकते हैं। आई एम श्योर, बट ऑब्वियसली यू आर सेइंग कि इसके अंदर चॉइसेस हैं आपके पास। देखिए, वो तो कर रहे हैं। हाँ। ये तो वो वाली बात है ना कि अब हम पुलिस करें किसी को कि ये ना करें। हाँ। तो वो तो लोग तो यूज कर रहे हैं, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि उसमें एक लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट है कि आप सडनली अपने मुल्क की लिटरेसी की परसेंटेज इंक्रीज कर सकते हैं, जो एक्चुअल पॉइंट है कि आपके पास लोग हैं जो इस स्टेट में हैं जो अब आपके पॉलिसी चेंज या अगले 10 साल मंसूबा से बाहर हैं, वो सडनली लिटरेट हो सकते हैं जस्ट बिकॉज के वो किसी टेक्नोलॉजी के साथ कहीं ना कहीं इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उसको करने में क्या हर्ज है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह ना जाए।